क्रिकेट की बमचक इज स्पॉन्सर्ड बाय माय 11 सर्कल। मेरी टीम खेल रही है और आपकी माय 11 सर्कल पे अपनी टीम बनाओ और मुझे हराओ। खुद को चैंप समझते हो तो प्ले विद चैंपियंस। डाउनलोड माय 11 सर्कल ऐप नाउ। आईपीएल फाइनल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस ने लगातार दूसरी बार और कुल पांचवी बार कप उठाया। इससे पहले टीम 2013, 15, 17 और 19 में भी जीत चुकी है। मुंबई की इस जीत में कप्तान रोहित शर्मा का भी अहम किरदार रहा। रोहित ने 51 गेंदों पर 68 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान रोहित ने चार बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। कौन से, आइए बताते हैं। पहला रिकॉर्ड, रोहित ने कुल 6 आईपीएल फाइनल खेले हैं, एक डेक्कन चार्जर्स के साथ 2009 में, फिर 5 फाइनल्स मुंबई इंडियंस के लिए। सभी 6 फाइनल में रोहित की टीम जीती है। दूसरा रिकॉर्ड, ओवरऑल टी20s की बात करें तो रोहित ने कुल 10 फाइनल्स जीते हैं। ऐसा करने वाले वे दुनिया के चौथे और भारत के पहले खिलाड़ी हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर कायरन पोलार्ड हैं, जिन्होंने 15 टी20 फाइनल्स जीते हैं। दूसरे नंबर पर सुरेश रैना हैं, जिन्होंने 8 टी20 फाइनल्स जीते हैं। तीसरा रिकॉर्ड, रोहित पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल फाइनल्स में 2 बार अर्धशतक जड़े हैं। इस फाइनल से पहले वे 2015 के आईपीएल फाइनल्स में भी 50 जड़ चुके हैं। चौथा रिकॉर्ड, आईपीएल फाइनल्स के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ जब दोनों टीमों के कप्तान ने 50 जड़ा। इससे पहले 2016 में भी ऐसा हुआ था, तब सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच फाइनल्स में डेविड वार्नर और विराट कोहली ने अपने अपनी टीमों के लिए अर्धशतक लगाए थे। अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंच सके। Facebook पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को प्लीज़ लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारा ऐप आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी सारी खबरों के साथ रूबरू हो सकते हैं। कैमरे के पीछे राशिद और मैं मेघा, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप।